हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू आर वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ करियर पे चर्चा। अब जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये टर्म सुना है करियर पे चर्चा, मैं उनको बता देता हूँ क्या है ये। सो अगर आपको पता होगा, हमने अभी रिसेंटली हमारे चैनल पे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, और उस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे रीज़न था कि आपको बहुत अच्छे तरीके से डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पढ़ाना है, सो दैट आप इंडस्ट्री रेडी हो पाओ, आप वो स्किल्स अक्वायर कर पाओ जो इंडस्ट्री में नीडेड है टू बिकम अ वेरी गुड डेटा साइंटिस्ट। बट एट द सेम टाइम आई फील कि सिर्फ पढ़ाई करने से जॉब नहीं मिलती, आपको जॉब हंटिंग करना भी आना चाहिए। ठीक है, जॉब हंटिंग का मतलब क्या है? जॉब हंटिंग का मतलब है कि आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को लोगों के सामने रखना जानते हो, आप जानते हो कि क्या चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप जब अप्लाई करोगे तो आपको जॉब मिलेगी, आपको आइडिया होना चाहिए इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस तरह की सैलरीज चल रही हैं, किस तरह से नेगोशिएट करना है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर मुझे लगता है हमें काम करना चाहिए ड्यूरिंग दिस एंटायर मेंटोरशिप प्रोग्राम, एंड दैट इज़ वाई आई हैव थॉट कि हम लोग हर थर्सडे इस डायरेक्शन में बात करेंगे, इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, और इसी सेशन को हमने फिर नाम दिया करियर पे चर्चा। ठीक है, तो आगे बहुत सारे सेशंस प्लान्ड हैं, बट मैं सोच रहा था कि सबसे पहला सेशन किस चीज़ पे मुझे लेना चाहिए, और फिर मुझे लगा कि द फर्स्ट सेशन शुड बी कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। तो आज का जो सेशन है वो इसी चीज़ पे डेडिकेटेड है कि अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम कर रहे हो, या इन जनरल भी अगर आप डेटा साइंस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कैसे आप एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो वेबसाइट बना करके रिक्रूटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ, सो दैट आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट की क्या ज़रूरत है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कि पोर्टफोलियो वेबसाइट होता क्या है। सो पोर्टफोलियो वेबसाइट एक वेबसाइट है जहां पे आपके बारे में सारा इंफॉर्मेशन किसी को दिखाई देगा। ठीक है, एक टिपिकल पोर्टफोलियो वेबसाइट में एक होम पेज होता है, उस होम पेज में आपके बारे में लिखा हुआ रहेगा, एक फोटो रहेगी जिससे तुरंत एक पेज में किसी को आपकी स्टोरी समझ में आ जाए। ठीक है, इसके अलावा लोग और भी कई तरह के पेजेस ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट में, लाइक दे ऐड अ रेज्यूमे पेज और दे कैन ऐड अ ब्लॉग पेज। लेट्स से आप बहुत सारे ब्लॉग्स लिखते हो तो आप अपने सारे ब्लॉग्स एक जगह ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रोजेक्ट पेज, ठीक है, जहाँ पर आप जो भी प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है उसका डेमो ऐड कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ऐड अ कॉन्टैक्ट पेज कि लोग कैसे आपको हायर कर सकते हैं, वो एक पूरा पाइपलाइन आप क्रिएट कर सकते हो। सो बेसिकली पोर्टफोलियो वेबसाइट इज लाइक रेज्यूमे बट मच बेटर, बिकॉज यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होता है। रेज्यूमे इज जस्ट वन पेज, उस वन पेज में आपको खुद को रखना होता है, वहाँ पर आप खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट इज दिस ओपन प्लेग्राउंड जहाँ पर आप आ करके अपने बारे में फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो और सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो। तो आई तो पर्सनली फील इफ यू आर स्टडिंग फॉर डेटा साइंस, इफ यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब इन डेटा साइंस, हैविंग अ पोर्टफोलियो वेबसाइट इज मस्ट। ठीक है, तो पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या हो गया, समझ में आ गया। अब लेट्स क्लियरली डिस्कस कि क्या बेनिफिट्स हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट के होने पे, क्या फायदा मिलता है आपको। दो बड़े फायदे मैं आपको बताता हूँ, काइंड ऑफ मैं पुराने पॉइंट्स को रिहाइड्रेट कर रहा हूँ बट समझने की कोशिश करना। पहला फायदा ये होता है कि आपको एक पर्सनल ब्रांडिंग मिलती है। ठीक है, सो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि सिर्फ पढ़ाई करना इज नॉट सफिशियंट, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। आई हैव टॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बट मेरी ही क्लास के कोई कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत एक्सेप्शनल थे, मतलब पढ़ाई करने में या उस पर्टिकुलर स्किल में बहुत एक्सेप्शनल थे, बट आज की डेट में वो 18 लाख या 20 लाख का जॉब कर रहे हैं। वेयर एज मेरी ही क्लास का एक एवरेज बच्चा, ही इज अर्निंग अपवर्ड्स ऑफ 40 लाख्स। ठीक है, दोनों को अगर आप बिठा दो तो ज़्यादा बढ़िया इंजीनियर कम सैलरी पे है, और ज़्यादा जो कम इंजीनियर था वो ज़्यादा सैलरी पे है। क्यों, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? द डिफरेंस इज कि उन्होंने किस तरीके से खुद को ब्रांड किया इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है, तो ये खुद में बहुत बड़ा स्किल है। हमें क्या लगता है कि अगर हमें अच्छे से मशीन लर्निंग आ गया या डेटा साइंस आ गया तो ऑब्वियसली हमारी सैलरी भी ज़्यादा होगी? नहीं, ये गलत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मशीन लर्निंग पढ़ना, मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सेपरेट स्किल सेट है, और फिर इंटरव्यूअर के सामने बैठ करके खुद को बेचना और हायर सैलरी नेगोशिएट करना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल सेट। ठीक है, तो अगर आपको मार्केट में अच्छी सैलरी पे काम करना है, आपको दोनों पे फोकस करना है। यू हैव टू बिकम अ वेरी गुड इंजीनियर
very good data साइंटिस्ट एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी गुड एट सेलिंग योर स्किल्स. ठीक है, लोगों के सामने बैठ करके कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना अपने आप को, इट्स अ डिफरेंट थिंग. वो भी आपको मास्टर करना है. तो आई फील इफ यू मेक अ पोर्टफोलियो वेबसाइट दैट इज एक्चुअली अ गुड स्टार्ट, क्योंकि वो आपको काइंड ऑफ एक पर्सनल ब्रांडिंग देता है. ठीक है, कल को इमेजिन अगर आपने एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दिया है और समहाउ किसी तरीके से आपके जो रिक्रूटर है उसकी नज़र उस वेबसाइट पे पड़ती है, इट विल ऑलवेज क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड और देर इज़ अ ह्यूज चांस कि आपको थोड़ा एज मिल सकता है अपने कंपेटिटर्स के सामने. ठीक है, तो रीज़न नंबर वन इज़ पर्सनल ब्रांडिंग होना चाहिए, विजिबिलिटी मिलता है, इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, रीज़न नंबर टू क्या है कि अभी आप लोग 7 मंथ्स के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम में घुस रहे हो और मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप क्या करोगे कि आप डे बाय डे नई चीज़ें सीखोगे. ठीक है, कई प्रोजेक्ट्स भी बनाओगे. तो होता क्या है कि अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है और अगर आपने ये मेक श्योर कर रखा है कि जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो आप उस पोर्टफोलियो वेबसाइट में ऐड करते हो. लेट्स से आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाया तो बाय हैबिट आप क्या कर रहे हो, उस पोर्टफोलियो वेबसाइट में उस नए प्रोजेक्ट को ऐड कर रहे हो एज अ डेमो. कल को अगर आपने एक ब्लॉग लिखा, मैंने आपको एक ब्लॉग लिखने का टास्क दिया, तो आप उस ब्लॉग को भी ऐड कर सकते हो पोर्टफोलियो वेबसाइट में. तो होगा क्या कि यू वुड सी अपनी आंखों के सामने कि उन 7 मंथ्स में आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट ग्रो कर रहा है. ठीक है, और उसको देख करके ना आपके मन में इंस्पिरेशन आता है कि यार पहले तो इसमें कुछ भी नहीं था, 3 महीने में देखो मैंने 7 प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए, 5 ब्लॉग्स ऐड कर दिए और लोगों को दिखाई दे रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो फिर ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है आपके दिमाग में और फिर आपको और अच्छे से पढ़ाई करने का मन करता है. तो पास्ट में मैंने अपने कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है कि उन्होंने इसको एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम बना लिया. उन्होंने इस तरीके से पोर्टफोलियो वेबसाइट को यूज़ किया कि मैं जो भी सीखूंगा वो पोर्टफोलियो वेबसाइट में ऐड करूंगा, जितना मैं ज़्यादा ऐड करूंगा मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट उतनी अच्छी दिखेगी और जितनी अच्छी मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट दिखेगी उतना ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और ज़्यादा पढ़ाई करने का. सो मैं आपको आगे जा के कुछ अच्छे पोर्टफोलियो वेबसाइट दिखाता हूँ मेरे ही स्टूडेंट्स के और आई होप वो आपको इंस्पायर करें. बट मेरे हिसाब से ये 2 बड़े रीजन्स हैं और थर्ड रीज़न आप बोल सकते हो कि एक सिंगल जगह पे आप अपना सब कुछ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज कर देते हो. जितने ब्लॉग्स आपने लिखे सब एक जगह है, जितने प्रोजेक्ट्स आपने बनाए सब एक जगह है, आपका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक जगह पे है, आपका रेज्यूमे एक जगह पे है. तो बेसिकली अंडर वन रूफ सब कुछ है आपके बारे में और आप उसका URL किसी को शेयर करो और एक URL हिट करके मुझे समझ में आ सकता है कि यार ये बंदा करता क्या है. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द जस्ट कि आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट क्यों बनाना चाहिए. अभी मैं आपको कुछ पोर्टफोलियो वेबसाइट दिखाऊंगा लोगों की, स्पेशली डेटा साइंस के डोमेन में. ऑब्वियसली बाकी लोग भी ऐसा करते हैं. शुरू हुआ था ये कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट लोगों से, डिज़ाइनर लोगों से, पेंटर लोगों से, बट आज के डेट में IT इंडस्ट्री में अ लॉट ऑफ पीपल दे बिल्ड देयर ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट्स. ठीक है, अब आगे चलने के पहले बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक गलती जो पास्ट में मैंने देखी है मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसा मत करना. मैं पास्ट में भी मेंटोरशिप प्रोग्राम मैंने पढ़ाए हैं और मैं तब भी लोगों को बोलता था पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए. तो 90% बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले दिन बहुत एक्साइटेड होके बना देते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट. ठीक है, उसको ऑनलाइन भी डाल देते हैं बट फिर उसको भूल जाते हैं, उसको अपडेट ही नहीं करते. ठीक है, और 7 मंथ्स बाद उनका पोर्टफोलियो वेबसाइट वैसा ही दिखता है जैसा Day 1 पे दिख रहा था. सो बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं हुआ. सो प्लीज़ उन 90% बच्चों की तरह बिहेव मत करना, इट्स अ रिक्वेस्ट. आज स्टार्ट करो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना, बहुत बेसिक सा बनाओ क्योंकि आज कोई देखने वाला नहीं है, आज वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट ऑन अ डेली बेसिस आप कुछ ना कुछ उसमें ऐड करने की कोशिश करो. ठीक है, उसको ग्रो करवाओ. जैसे जैसे आप ग्रो करोगे इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में, उस पोर्टफोलियो वेबसाइट को भी ग्रो करवाओ, उसको अपडेट करते रहो. ठीक है, और फिर आप नोटिस करोगे कि आफ्टर 7 मंथ्स यू वुड सी कि आपके पास एक बहुत ही किकास पोर्टफोलियो वेबसाइट है. इस पूरे प्रोसेस को आप MVP बोल सकते हो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर ऐसा यूज़ करते हैं. पहला वर्जन रोल आउट करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है, कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, इम्प्रूव करते हैं अगला वर्जन, फिर फीडबैक लेते हैं, इम्प्रूव करते हैं. आफ्टर 10-15 iterations उनका प्रोडक्ट बहुत इंप्रूव कर जाता है. सेम आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट के साथ भी होगा. आज बनाओ, बेसिक लेवल बनाओ, सारे पेजेस क्रिएट कर दो, धीरे धीरे चीज़ें ऐड करना शुरू करो, दोस्तों को दो, उनसे पूछो क्या कमी है,
तू अगर रिक्रूटर होता तो क्या ऐड करना चाहिए, तेरे हिसाब से क्या हटाना चाहिए, फीडबैक लो, उसको चेंज करो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा करते रहे 7 मंथ्स, आफ्टर 7 मंथ्स यू विल हैव अ किक-ऐस पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो आप लोगों के सामने जब रखोगे ना तो उनका मन कर जाएगा आपको हायर करने का। ठीक है, तो ठीक है, इनफ ब्लैबरिंग, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पूरा सेशन। आज के सेशन में मैं आपको पहले थोड़ा इंस्पिरेशन के लिए कुछ पोर्टफोलियो वेबसाइट्स दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया कैसे जाता है। ठीक है, मैं आपको दो अप्रोचेस बताऊंगा। वन इज़ फॉर कम्प्लीटली नॉन टेक पीपल, जिनको ज़रा भी कोडिंग नहीं आती, तो वो एक इजी तरीका मैं आपको समझाऊंगा। बस उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर पाओगे, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और फिर मैं आपको एक सेकेंड तरीका दिखाऊंगा जिसमें बहुत थोड़ा सा HTML कोडिंग इन्वॉल्व है, और उसमें आप फिर किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो, पूरा फ्रीडम रहेगा, पूरा कंट्रोल रहेगा। और फिर मैं दोनों ही तरीकों को ऑनलाइन कैसे लाना है वो मैं आपको करना सिखाऊंगा। ठीक है, सो बेसिकली आज के सेशन के एंड में अगर आप चाहो तो खुद का एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना पाओगे। ठीक है, सो दैट्स द प्लान, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक अच्छा पोर्टफोलियो वेबसाइट दिखता कैसा है, स्पेशली फॉर अ डेटा साइंटिस्ट। मैं आपको सबसे पहले अपने ही एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो वेबसाइट दिखाता हूँ। सो दिस इज अ पोर्टफोलियो वेबसाइट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ माइन, हिज नेम इज कुणाल, और ही वॉज विथ मी इन माई फर्स्ट मेंटोरशिप बैच इन 2020, 2 साल पहले की बात है। और मैं आपको कुणाल का वेबसाइट के थ्रू एक बार गाइड करता हूँ कि किस तरीके से आप अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। सो इफ यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द होम पेज ऑफ द वेबसाइट, एंड यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल, कुछ बहुत फ्लैशी नहीं है। आप चाहो तो डिजाइन वाइज और इम्प्रूव कर सकते हो, बट यहाँ पे बेसिक चीजें सही से की हुई है। जैसे कि सबसे पहले बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है कुणाल का पूरा नाम, और उसके बाद नीचे देर इज अ अबाउट मी सेक्शन, जहां पर उसने अपना एक थोड़ा ज्यादा सीरियस फोटो लगाया है। आई वुड प्रेफर थोड़ा सा कम सीरियस फोटो, बट जो भी है, देर इज अ फोटो जिसको देखते ही आई कैन एक्चुअली हैव अ पिक्चर ऑफ कुणाल इन माई माइंड। एंड देन देर इज अ अबाउट मी सेक्शन, जहां पे उसने बहुत इनफॉर्मल तरीके से या नॉट सो फॉर्मल तरीके से खुद को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, विद इन 3-4 पैराग्राफ्स। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ये अबाउट मी में आप एक्चुअली अपने इंटरव्यूअर को जीत सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी स्टोरी सुनाओ, ठीक है, कोशिश करो कि आपकी स्टोरी से वो कनेक्ट कर पाए। और एक अच्छी स्टोरी में हमेशा वाई होना चाहिए। जैसे अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो वहां पे आपको किसी तरीके से ये बताना चाहिए वाई में कि आप क्यों डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, क्या आपका इंस्पिरेशन है, किसने आपको फोर्स किया कि यार चलो मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए, मुझे मैथ्स बचपन से पसंद था, या मुझे नंबर क्रंचिंग अच्छा लगता है, या फिर मुझे कोडिंग अच्छा लगता है और फिर मुझे लगा कि यार मैथ्स भी सीखते हैं कोडिंग के साथ। कुछ भी आपका रीजन हो, आपको वो स्टेट करना है, और इससे क्या होगा कि सामने वाला आपकी स्टोरी से जुड़ने लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और चीज बोली थी कुणाल को कि नीचे अपने बारे में कुछ कीवर्ड्स लिख दो, ठीक है, 4-5 वर्ड्स जो आपको डिफाइन करते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। इससे क्या होगा, मुझे वेबसाइट देख करके सामने वाले की पर्सनालिटी का एक आइडिया सा लग जाएगा, ठीक है। तो ये होम पेज जो है, ये आपका प्लेग्राउंड है, यहाँ पे आप किसी भी तरीके से खुद को एक्सप्रेस करो, और इट्स अ ओपन फील्ड, ठीक है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार बस इतने से वन पेज में ही आपको जो लिखना है लिखना है। आप यहाँ पे अपने बारे में कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे इट्स अप टू यू, आप कितना अच्छा इसको बना पा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पेज जो कुणाल की वेबसाइट में है वो है रेज्यूमे पेज, ठीक है। और रेज्यूमे पेज में कुणाल ने 2 चीजें ऐड की। पहला, उसने अपना एक एक्चुअल रेज्यूमे को एम्बेड कर रखा है अपनी वेबसाइट में। सो यू कैन सी दिस इज द रेज्यूमे, यहाँ से आप फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ओनली इसका रेज्यूमे देख सकते हो, बट डाउनलोड पे क्लिक करके यू कैन क्विकली डाउनलोड इट ऑल्सो, ठीक है। ऑल्सो साथ ही साथ उसने एक वीडियो रेज्यूमे भी बनाया है, जो 1 मिनट का एक वीडियो है, जहां पे ऑन कैमरा ही स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है। तो वीडियो रेज्यूमे आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बिकॉज HRs जो होते हैं, उन लोगों को सिर्फ एक रेज्यूमे के थ्रू ये समझ में नहीं आता कि सामने वाले की पर्सनालिटी कैसी है या उसका सॉफ्ट स्किल कैसा है। तो 1 मिनट जब आप कैमरा पे बात कर रहे हो ना, तो सामने वाले को थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि आप कैसे हो। तो इवन इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल,
आई वुड रिकमेंड कि आपको वीडियो रेज्यूमे बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और इट वुड टेक टाइम। जैसे मुझे पता है कि कुणाल या फिर मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स थे उन लोगों को अराउंड 50 शॉट्स लेने पड़े, उसके बाद उन्होंने अपना वीडियो रेज्यूमे बनाया था, बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग टू हैव। ठीक है, आपको एज देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो थर्ड पेज कुणाल ने ऐड किया था वो है प्रोजेक्ट्स पेज। सो ड्यूरिंग द मेंटोरशिप प्रोग्राम मैंने इनके बैच में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कराए थे, और यू कैन सी उसने बहुत अच्छे से सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को नॉट ओनली बनाया बट उनको बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया और उन सबको बहुत अच्छे से गिटहब पे होस्ट किया। ठीक है, सो अगर आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट पे क्लिक करो तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे कुणाल के गिटहब प्रोफाइल में, और वहां पर यू कैन सी आप जो भी प्रोजेक्ट पेज है वहां पे आप पहुंच गए। सो एज अ रिक्रूटर आई कैन एक्चुअली सी द पेज एंड आई कैन गो टू द गिटहब रेपोजिटरी एंड आई कैन सी कि प्रोजेक्ट बना कैसे है, कोड का क्वालिटी क्या है, किस तरीके से पूरी चीज बनी हुई है। ठीक है, तो जब आप इस प्रोग्राम में आगे प्रोजेक्ट्स बनाओ तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा, मोटिवेट करूंगा कि आप इस तरीके से सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर दो। फ्यूचर में आपको भी हेल्प होगा और ऑब्वियसली आपके रिक्रूटर के ऊपर तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा ही। ठीक है, इसके बाद आगे कुणाल ऑल्सो एडेड अ ब्लॉग पेज, जहां पे उसने जितने भी ब्लॉग्स लिखे ड्यूरिंग द एंटायर मेंटोरशिप प्रोग्राम उसने वहां पर सारे ब्लॉग्स को ऐड किया। ठीक है, दीज आर एक्चुअल ब्लॉग्स रिटन बाय हिम। अगर आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करोगे तो यू वुड बी रिडायरेक्टेड टू medium.com, और medium.com पे यू कैन एक्चुअली रीड द ब्लॉग्स। ठीक है, दीज आर लाइक प्रॉपर ब्लॉग्स रिटन बाय कुणाल, एंड आई वुड मोटिवेट यू कि आप भी किसी ना किसी फॉर्म में किसी सोशल मीडिया पे अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। इट कुड बी लिंक्डइन, इट कुड बी यूट्यूब, इट कुड बी मीडियम, कहीं भी जाओ बट लोगों के सामने रखो कि आपको डेटा साइंस आता है। तो मीडियम इज अ गुड प्लेटफॉर्म। बहुत लोग कैमरा शाई होते हैं, कैमरा पे आके बोलना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए ब्लॉगिंग इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि आप जा करके वीक में या 2 वीक में एक ब्लॉग लिख रहे हो। ब्लॉग्स आपको विजिबिलिटी देते हैं। आप शायद खुद अपनी जर्नी में आप नोटिस करोगे कि कई बार आप दूसरों के ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, तो ऐसा होता है कभी कई बार कि रिक्रूटर आपका ब्लॉग पढ़ता है। ठीक है, आई कैन टॉक यू आई कैन टेल यू अबाउट कुणाल। कुणाल गॉट ऑफर्स फ्रॉम एनालिटिक्स विद्या और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, और उन्होंने इसको ऑफर किया कि तुम अपना ब्लॉग हमारे पब्लिकेशन में पब्लिश कर दो। ठीक है, तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग दैट ही डिड वॉज टू एड अ कॉन्टैक्ट पेज, जहां पे उसने अपना सारा का सारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक जगह पे डाल दिया कि कल को अगर कोई रिक्रूटर इसको कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो फिर वो झट से कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज वन एग्जाम्पल विच इज अ प्रिटी ऑर्गेनाइज सिंपल येट एलिगेंट पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, अगर आप इतना भी बना पाते हो ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा है। आई कैन टेल यू अबाउट कुणाल, ही गॉट मल्टीपल इंटर्नशिप ऑफर्स व्हेन ही वाज इन कॉलेज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेबसाइट एंड द वर्क दैट ही डिड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक medium.com एंड गिटहब। ठीक है, तो आपको यही करना है। आप और भी अगर इंस्पिरेशन खोज रहे हो तो मैं कुछ और पोर्टफोलियो वेबसाइट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे कि ये एक कोई फॉरेन डेवलपर है, डेटा साइंटिस्ट है, जिसका प्लेटफॉर्म जिसका पोर्टफोलियो वेबसाइट मुझे अच्छा लगा। सो वन पेज पोर्टफोलियो वेबसाइट है ये। देर इज अ कराउजल मूविंग पिक्चर बाय पिक्चर। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में एक काइंड ऑफ कार्ड्स का पूरा ग्रुप है, जहाँ पे उन्होंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया वो बताया है। उसके बाद नताशा इन नटशेल में उन्होंने बताया है कि अपने बारे में कि कैसे क्या स्टोरी है उनकी। ठीक है, यू कैन रीड इट, थोड़ा आइडिया लगेगा किस तरीके से खुद को पुट करना है। उसके बाद फिर प्रॉपर प्रोजेक्ट्स और उसका ब्लॉग और आई गेस डेमो और कोड है। और नीचे जाओ तो वन न्यू थिंग दैट शी हैज एडेड इज कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन। सो हम लोगों में से बहुत लोग अलग अलग कोर्सेज करते हैं ऑनलाइन, यूडेमी, यूडेसिटी, कोर्सेरा टाइप की वेबसाइट्स पे। अगर आपने उनको कंप्लीट किया है तो आप उनको यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स इस बंदी ने लिखे हैं वो भी यहाँ पर है, और बाकी सोशल मीडिया लिंक्स। ठीक है, तो अगेन ये ठीक है बट आई वुड प्रेफर कुणाल वाला वेबसाइट ज्यादा अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा भी और बहुत सारे पोर्टफोलियोज आपको मिलेंगे। अगर आप एक बार गूगल करोगे डेटा साइंटिस्ट पोर्टफोलियो एग्जाम्पल, यू वुड सी बंच ऑफ इंडिविजुअल्स जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रखा है और कहीं ना कहीं पे डाल रखा है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन के लिए मैं आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। जो भी आपको पसंद आए वैसा बनाओ, आपके ऊपर है, बट बनाओ जरूर।
तो चलो गाइस, अब आई गेस मैंने आपको इनफ मोटिवेट कर दिया है कि आपको भी अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहिए। अब मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगा कि कैसे आप खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। जो पहला तरीका है वो एक्चुअली ज्यादा सिंपल तरीका है। नॉन टेक जो लोग हैं, जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आप लोग भी झट से वेबसाइट बना पाओगे। सो द फर्स्ट टूल दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज एक्चुअली कॉल्ड गूगल साइट्स। शायद आपने सुना होगा, गूगल का एक सर्विस है जहां पर आप ड्रॉप कर करके, मतलब प्लग इन प्ले टाइप का, सॉरी ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का वेबसाइट बना सकते हो। द गुड पार्ट इज ये सर्विस इज इंटीग्रेटेड विद गूगल ड्राइव। सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है अपने ड्राइव अकाउंट पे और वहां पे आपको न्यू पे क्लिक करना है और मोर पे जाना है, और मोर से यू हैव टू क्लिक ऑन गूगल साइट्स। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको एक सॉफ्टवेयर टूल मिलेगा, ऑनलाइन टूल, जिसको यूज करके आप बहुत झट से अपना वेबसाइट बना सकते हो। झट से तो नहीं, आई वुड से थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, बट चलो मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखाता हूँ कि क्या आप कर सकते हो। ये सीधे जो खुलता है, ये एक्चुअली आपका होम पेज है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो नितिशस पोर्टफोलियो, ठीक है। ऑब्वियसली मैं पूरा वेबसाइट आपको बना के नहीं दिखाऊंगा। मेरा गोल है आपको बस गाइड कर देना कि कैसे इस टूल को यूज करना है, उसके बाद तो फिर आप खुद से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो अबाउट मी, ठीक है, और चाहो तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि चेंज इमेज से यू कैन एक्चुअली अपलोड कोई और इमेज। जैसे लेट्स से मैंने ये अपलोड कर दिया, जो मैंने थंबनेल बनाया था आज के वीडियो के लिए, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन रीसेट, या हेडर टाइप में यू कैन चेंज इट, लाइक डिफरेंट चीजें हैं आपके पास, कवर की तरह कर सकते हो, लार्ज बैनर कर सकते हो, सिंपल बैनर, टाइटल ओनली भी कर सकते हो। फिलहाल चलो मैंने ये कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा बेसिकली चीजें कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं रीसेट कर रहा हूँ और मैं वापस पुराने वाले बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, बिकॉज वो ज्यादा सही लग रहा है। ऑल्सो यू कैन एडिट द टाइटल, यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स, जो भी आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी के साथ जा रहा है, फॉन्ट साइज, बोल्ड, जो भी करना है। ये सारी चीजें समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यू कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइंस। मैं इनफैक्ट एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ इसको। यहाँ से यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइंस, जो भी आपको पसंद है, जो आपको सबसे ज्यादा सही लग रहा है, जैसे ये ठीक लग रहा है, ठीक है। उसके बाद व्हाट वी कैन डू इज इंसर्ट में वापस जाते हैं, और नीचे फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिसाइड कि आप किस तरीके से कॉन्टेंट रखना चाहते हो, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज लेट्स से हम ये वाला ब्लॉक यहाँ पे डालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स अपलोड अ वीडियो और लेट्स अपलोड एन इमेज। लेट्स से ये इमेज हमने अपलोड कर दिया यहाँ पे। जैसे कुणाल ने भी यही टूल यूज किया था, उसने अपना फोटो यहाँ पे अपलोड किया था। आप यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने बारे में लिख सकते हो, अबाउट मी, यू कैन ऐड कॉन्टेंट, जो भी आपने अपने बारे में लिख रखा है, यू कैन पुट इट ओवर हियर, ठीक है। और इस तरीके से फिर आप और ब्लॉक्स ऐड कर सकते हो, जितने ब्लॉक्स आपको अपने बारे में ऐड करना है। नीचे आप ये ब्लॉक्स ऐड कर सकते हो, यहाँ पे इफ यू वुड लाइक टू ऐड प्रोजेक्ट्स अपने होम पेज में, तो आप ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो यहाँ पे और भी चीजें हैं, सोशल लिंक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप मैप ऐड कर सकते हो, आप कैलेंडर ऐड कर सकते हो, इफ यू हैव अ यूट्यूब चैनल आप यूट्यूब चैनल की डिटेल्स ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड अ डॉक्यूमेंट, यू कैन ऐड अ पीपीटी। सो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ऐड अ इमेज कराउजल। इमेज कराउजल इज बेसिकली दिस थिंग जिसके अंदर आप मल्टीपल इमेजेस ऐसे मूव करते हुए दिखा सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर गिवन, ठीक है। आप अपने हिसाब से किसी भी फॉर्मेट में ये पूरी चीज को बना सकते हो, ठीक है। तो मान लो ये आपका बन गया होम पेज, ठीक है। अब लेट्स से आप कुणाल की तरह और पेजेस ऐड करना चाहते हो, लेट्स से माई रेज्यूमे आप ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, पेजेस पे जाओगे, ये आपका होम पेज है, आप यहाँ से और एक न्यू पेज बनाओगे, नए पेज का नाम आपने रख दिया लेट्स से रेज्यूमे, डन पे क्लिक कर दिया।
ये आपका सेकेंड पेज है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका टाइटल जनरेट हो गया। और आप इंसर्ट पे जाओगे, और कुणाल की तरह अगर आप करना चाहो रेज्यूमे वाले पेज में, तो यू कैन एक्चुअली क्विकली एड अ वीडियो, जैसे कि हम लेट्स एड अ यूट्यूब वीडियो, ठीक है। लेट्स सर्च फॉर कैंपस एक्स, मान लो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये वीडियो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसको आप जैसे भी बड़ा घटा सकते हो साइज अपने हिसाब से। यहाँ पे बेसिकली आपका वीडियो रेज्यूमे आ गया। इसके बाद इफ यू वांट यू कैन ऐड अ डॉक, गूगल डॉक, जहाँ से आप अपना रेज्यूमे ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम का जो करिकुलम है वो ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। इसको हटा देते हैं। अब इसको आप खींच करके कितना भी बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे आपका रेज्यूमे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी लाइक दिस, ये आपका हो गया रेज्यूमे वाला पेज, ठीक है। फिर से पेजेस पे जाते हैं, और कुणाल का थर्ड पेज वॉज समहाउ लोड नहीं हो रहा है, बट आई गेस जो नेक्स्ट पेज है वो है ब्लॉग्स वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऑल्सो मेन्यू है तो इसको हम लोग कैपिटल्स में लिख देते हैं, ठीक है, कैपिटलाइज में। उसके बाद एक और पेज लेट्स से हो सकता है प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स पे गए, प्रोजेक्ट्स में यू कैन यूज एनी फॉर्मेट, यू कैन यूज दिस फॉर्मेट। यहाँ पे आप अपने इमेज का अपने प्रोजेक्ट का इमेज डाल सकते हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो, ईमेल पैम क्लासिफायर, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से यू कैन ऐड एन इमेज जो भी आपको लगता है सही, या फिर यू कैन ऑल्सो ऐड अ डेमो वीडियो कि वो प्रोजेक्ट काम कैसे कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से यू कैन ऐड मोर सेक्शंस इफ यू वॉन्ट। इसके नीचे और दो प्रोजेक्ट्स आ गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट्स वाला पेज। फिर से पेजेस पे गए, लेट्स ऐड अ ब्लॉग्स वाला पेज। लेट्स से आप ब्लॉग्स ऐड कर रहे हो, तो ब्लॉग्स वाले पेज में भी लेट्स से हम लोग ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको बस इमेज ऐड करना है, यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इस तरीके से यू कैन ऐड मोर ब्लॉग्स इफ यू वांट, यू कैन ऐड मोर एंड मोर ब्लॉग्स अलग अलग फॉर्मेट में। कोई अच्छा ब्लॉग है तो उसको आप ज्यादा एरिया प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है बेसिकली। ये हो गया ब्लॉग्स वाला। और लास्टली फिर क्या कर सकते हो, पेजेस में जाके यू कैन हैव अ कॉन्टैक्ट मी वाला पेज, ठीक है। डन पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट मी में आपको बेसिकली क्या करना है, अपने बारे में कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर देना है। यू कैन ऐड सोशल मीडिया लिंक्स, यहाँ पे आप अपने सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अपना फिजिकल एड्रेस देना चाहते हो तो मैप पे दिखा सकते हो, ऑल दो उसकी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको डाल करके लिंक्डइन और बाकी जो आपके गिटहब और जो भी प्रोफाइल्स हैं ईमेल वगैरह, उसको यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा जल्दी से झट से एक वेबसाइट का लेआउट, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें आप चीजें ऐड करोगे, मैं आपको झट से दिखाता हूँ कि आप वेबसाइट को पब्लिश कैसे कर सकते हो। तो पब्लिश करने का फंडा बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको पब्लिश बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप एक नाम रख सकते हो, जैसे नितिश डेटा साइंटिस्ट पोर्ट फोलियो, ठीक है। मान लो मैंने ये नाम रख दिया और ये अवेलेबल है, ठीक है। जो भी आपको नाम रखना है आप रख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप कस्टम डोमेन एज इन अपना खुद का डोमेन नेम भी रख सकते हो, जैसे कुणाल ने क्या किया, अभी ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही समहाउ, उसने कुणाल गोहरानी डॉट इन्फो रखा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्चुअली गूगल पे जा करके या फिर सीधे भी देर इज दिस वेबसाइट सर्विस कॉल्ड गो डैडी, आप इस पे जा सकते हो, और गो डैडी पे जाके आप अपने लिए डोमेन नेम सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं अपने लिए सर्च करना चाहता हूँ नितिश सिंह, अगर मैं इसको सर्च करूँ तो यू कैन सी नितिश सिंह डॉट कॉम इज टेकन, बट द नितिश सिंह डॉट कॉम इज अवेलेबल, तो आई कैन गो एंड परचेज,
ठीक है, इनमें से कोई भी आई कैन गो एंड परचेज, और ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। एक साल का कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द डोमेन नेम डॉट कॉम है या डॉट इन, 200 रुपए से 600 रुपए के बीच में होता है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। तो आप ये खरीद सकते हो, 1 साल के लिए डोमेन आपका हो जाएगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, वापस गूगल साइट्स में आके यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करो, और ये आपको सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स बता देगा कि आप कैसे अपने डोमेन नेम को इस वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है, और बहुत इजी है, तुरंत हो जाता है। बट मैं आपको इनिशियली रिकमेंड नहीं करूंगा पैसे लगाने के लिए। आप फिलहाल इस यूआरएल से भी काम चला सकते हो। जैसे आपको लगे कि यार मेरा पोर्टफोलियो सच में अच्छा बन गया है, तो फिर आप शायद ये काम कर सकते हो कि अपना खुद का डोमेन नेम लो। शुरू में आई वुड नॉट रिकमेंड। ठीक है, इतना करने के बाद यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश, और ये आपकी साइट पब्लिश हो गई। और अगर आप इस पे क्लिक करो, ये रहा आपका कॉपी लिंक। मैं जाता हूं इनकॉग्निटो में, और वहां पे आई वुड पेस्ट दिस लिंक एंड लेट्स ओपन इट। तो गाइस, जिसे कहते हैं बेइज्जती होना, राइट एट द टाइम जब मैं आपको डेमो दिखाना चाह रहा था कि वेबसाइट कैसी बनी है, समहाउ गूगल साइट्स का सर्वर इज डाउन। एटलीस्ट मेरे इंटरनेट से तो नहीं चल रहा है। कुणाल की वेबसाइट भी लोड होना बंद हो गई है, और जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ पोर्टफोलियो लाइक व्यू पब्लिश्ड साइट के ऊपर, तो ये भी लोड नहीं हो रहा है। सो दैट इज एक्चुअली अनफॉर्चुनेट। ये वेबसाइट तो खुल गई, लेट्स वेट कि ये चल रहा है कि नहीं। और चलो सही है गाइस, देर वॉज सम इशू विथ माई इंटरनेट आई गेस, बिकॉज गूगल की सर्विस तो डाउन नहीं होनी चाहिए। मेरा ही इंटरनेट शायद स्लो चल रहा है। सो दिस इज द पब्लिश्ड वेबसाइट जो हमने अभी पिछले 10 मिनट में बनाया। ऑब्वियसली इसमें कुछ ज्यादा नहीं है देखने के लिए, बट आपको कैसे बनाना है मैं एटलीस्ट वो सिखाना चाहता था, वो आपको शायद समझ में आ गया। जो भी है गाइज, आई गेस मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी स्लो राइट नाउ, पेजेस लोड होने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी है, ऐसे भी इस वेबसाइट में भी कुछ देखने का नहीं है। द होल आइडिया वॉज कि आपको मैं सिखा पाऊँ कि कैसे आप गूगल साइट्स को यूज करके झट से अपना वेबसाइट अप एंड रनिंग कर सकते हो। अब द प्रॉब्लम विद गूगल साइट्स इज कि ऐसे तो अच्छा टूल है, मतलब आप डिसेंट दिखने वाली वेबसाइट बना सकते हो, बट होता है ना कभी कभी, सिंस यू आर डूइंग इट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, तो थोड़ा और कस्टमाइज वेबसाइट बनाने का मन करता है। तो मैं आपको एक सेकेंड तरीका दिखाने जा रहा हूँ, जहां पर आप क्या कर सकते हो कि आप खुद से थोड़ा सा कोडिंग करके ज्यादा कस्टमाइजेबल, ज्यादा अपने पसंद का डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी द सेकेंड अप्रोच कि कैसे आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड तरीका ये है कि आपको एक HTML टेम्पलेट डाउनलोड करना है, और फिर उस HTML टेम्पलेट को अपने हिसाब से एडिट कर लेना है। ठीक है, आपको क्या चाहिए पड़ेगा, बेसिक HTML CSS का नॉलेज आपको आना चाहिए कि कैसे आप एक बने बनाए टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि मेरे चैनल पे HTML और CSS दोनों का प्लेलिस्ट है, और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप बैठो एक संडे को, तो आप एक ही दिन में कंप्लीट करके थोड़ा बहुत HTML CSS सीख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी HTML CSS आता है, तो आप अपनी खुद की वेबसाइट कैसे बना सकते हो। सो आपको सबसे पहले स्टेप 1 में एक टेम्पलेट चाहिए होगा। सो आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है HTML अप बोल के, इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट में आपको पहले से बहुत अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स, जो भी आपको पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे लेट्स से फॉर नाउ आई वुड सेलेक्ट दिस टेम्पलेट। ठीक है, मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाता हूँ। दिस इज द लाइव डेमो कि आपकी वेबसाइट ऐसी दिखाई देगी रफली, बट आप इसमें बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। आप कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप जो पूरा का पूरा लेआउट है उसको भी चेंज कर सकते हो। तो दिस सीम्स लाइक अ गुड वेबसाइट विथ मल्टीपल पेजेस। ठीक है, हम इसको यूज कर सकते हैं। और अब आपको क्या करना है कि अगर आपको टेम्पलेट पसंद आ गया, तो आपको बस डाउनलोड पे क्लिक करना है, और ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी डाउनलोड हो रहा है, तो आई विल वेट। मीनवाइल गाइज, ये वेबसाइट लोड हो गई। आई डोंट नो, मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बट यू कैन सी दिस इज द होम पेज, दिस इज द रेज्यूमे पेज विथ द एम्बेडेड डॉक्यूमेंट, दिस इज द ब्लॉग्स पेज। फिलहाल कुछ भी नहीं है, हमने फिल नहीं किया। एंड दिस इज द प्रोजेक्ट्स पेज। ठीक है, सिंपल सी प्यारी सी वेबसाइट है।
इसको आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। बाकी ये रहा हमारा डाउनलोड हो गया। सो व्हाट यू विल डू इज आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है सबलाइम टेक्स्ट, शायद आपने सुना होगा। सिंपल सा एडिटर है जिसमें कोडिंग किया जा सकता है। मेरे पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर है, तो आई वुड सर्च सबलाइम टेक्स्ट। ये रहा सबलाइम टेक्स्ट। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊंगा और एक फोल्डर बना लूंगा। आई वुड कॉल इट पोर्टफोलियो हाइफन वेबसाइट, ठीक है। और व्हाट आई विल डू इज, ये जो मैंने फोल्डर अभी डाउनलोड किया है, इसके सारे फाइल्स को आई वुड एक्सट्रैक्ट टू दैट फोल्डर, डेस्कटॉप पोर्टफोलियो वेबसाइट मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा मैं। और यहां पर यू कैन सी ये सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है सबलाइम टेक्स्ट में। दिस इज सबलाइम टेक्स्ट, यहाँ पे फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर पे जाना है, और यहाँ से डेस्कटॉप पोर्टफोलियो वेबसाइट वाले फोल्डर को सेलेक्ट करना है, बाकी सारे विंडोज को बंद करना है। एंड गाइज, दिस इज द फोल्डर जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स हैं। यहाँ पे 3 पेजेस हैं। मैं सबसे पहले इंडेक्स वाले पेज पे जाऊंगा, एंड आई कैन एक्चुअली राइट क्लिक एंड ओपन इन ब्राउजर। फिलहाल हमारी वेबसाइट ऐसी दिखती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा भी HTML CSS का नॉलेज है, तो आप इस कोड में जा करके बेसिकली एडिट कर सकते हो चीजों को, ठीक है। जैसे कि टाइटल क्या होता है, टाइटल वो होता है जो यहाँ पे ऊपर दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं जा करके इसके बदले आई वुड क्विकली एडिट एंड राइट नितिश पोर्टफोलियो, ठीक है। सेव, गो बैक, रीलोड। यू कैन सी यहाँ पे पोर्टफोलियो आ गया, ठीक है। इसके बाद व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एडिट द मेन्यू। जैसे ये जो मेन्यू है, मुझे इसको चेंज करना है, तो व्हाट आई वुड डू इज दिस इज द हेड एडिटर जहाँ पे लिखा हुआ है एडिटोरियल्स बाय HTML5। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट ओवर हियर नितिशस पोर्टफोलियो, सेव किया, और यहाँ पे ऐसा दिखने लग गया। ये जो सोशल मीडिया आइकन्स हैं, आप यहाँ पे जाकर के अपने सोशल मीडिया का लिंक डाल सकते हो, एडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आना है आपको, हाय आई एम जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आप लिख सकते हो हाय आई एम नितिश एंड आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। सेव किया, एंड इस तरीके से आप चीजों को एडिट करते चले जाओगे अपने हिसाब से, ठीक है। और फिर आप बाकी के कंटेंट को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। नीचे जो भी कंटेंट है, इन सबको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बेसिकली एक टेम्पलेट है, ये इमेजेस को भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देख रहे हो, ये सारे इमेजेस को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड योर ओन इमेज, ठीक है। एंड उसके बाद बस यही आपको रिपीट करना है, ठीक है। यही आपको रिपीट करते जाना है, और एक एक करके, जैसे ये मेन्यू है, अगर आप एकदम बॉटम में जाओ, ये जो है ना, ये मेन्यू दिखाई दे रहा है। तो मेन्यू में होम पेज के बदले यू कैन राइट अबाउट मी, ठीक है। उसके बाद यू कैन राइट लेट्स से रेज्यूमे। उसके बाद इफ यू वांट यू कैन राइट प्रोजेक्ट्स। इसके बाद यू कैन राइट ब्लॉग्स। इसके बाद इनफैक्ट हमें इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉग्स, यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टैक्ट, और बाकी का जो है उसको हम लोग हटा भी सकते हैं, बाकी के लिंक्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सेव किया, वापस गए, रीलोड किया, यू कैन सी आपने अपना मेन्यू एडिट कर दिया, ठीक है। इफ यू वांट आप ये सारी चीजें भी हटा सकते हो। आपको बेसिकली यहां से जाके ट्रिम कर देना है, पूरे कोड को हटा देना है, ठीक है। जो सेक्शंस हैं इनको आप हटा दोगे। सेव, यू कैन सी कितना क्लियर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो ये सर्च को भी हटा सकते हो, ऊपर जा करके ऊपर कहीं पे सर्च होगा,
जैसे कि आई गेस दिस इज द सर्च, इसको हटा दिया। अपने हिसाब से मैं बेसिकली HTML को एडिट कर रहा हूँ और अपने मनपसंद का मुझे ये पूरा टेम्पलेट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने बारे में लिखूंगा, इस जगह पे मैं अपना फोटो डाल दूंगा। ठीक है, और धीरे धीरे इस तरीके से मैं बाकी के पेजेस भी डिजाइन कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ये पूरा काम करने के लिए आपको HTML की समझ होनी चाहिए। लेट्स से अगर आप एक कम्प्लीटली नॉन टेक बैकग्राउंड से आ रहे हो तो फिलहाल आपको ये कोड देख के डर लगेगा कि क्या लिखा हुआ है, बट ट्रस्ट मी HTML इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आप चाहो तो आप विद इन 1 आवर HTML सीख सकते हो और इस कोड को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपना HTML प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। खाली बैठे हो एक बार जा करके देख लेना, और आप अगर CSS भी पढ़ लोगे तो आप इसका डिजाइन भी चेंज कर सकते हो, कलर्स वगैरह या जो लेआउट है उसको भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो, बटन्स वगैरह को चेंज कर सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये सेकेंड तरीका है। अब इसमें क्या है कि एक बार ये वेबसाइट बनाने के बाद इसको ऑनलाइन करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली व्हाट यू विल डू इज आप गिटहब को यूज करोगे एज अ फ्री होस्टिंग सर्विस। ठीक है, अब आई नो मैंने आपको गिटहब अभी पढ़ाया नहीं है, बट शायद आपको पता होगा गिटहब इज अ सर्विस जहाँ पे आप अपने कोड रिपोजिटरीज होस्ट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले गिटहब पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यू पे जा करके एक नया रिपोजिटरी बनाना है। आप यहाँ पे लिख सकते हो पोर्टफोलियो वेबसाइट डेमो, और यहाँ पे यू कैन जस्ट राइट कोड रिलेटेड टू माई पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, और इसको पब्लिक रख सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। यू कैन ऐड अ रीडमी फाइल एंड यू कैन क्रिएट अ रेपोजिटरी। अब रेपोजिटरी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी फाइल्स को अपलोड करना है। ठीक है, सो अगर आप देखो ये रही मेरी फाइल्स, ये रहा मेरा इंडेक्स पेज जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा असेट्स बोल के एक फोल्डर है जिसमें CSS फाइल्स हैं और जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा इमेजेस फोल्डर है जिसमें ये सारे इमेजेस हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सारी फाइल्स को अपलोड करना है। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो फोल्डर स्ट्रक्चर आपके मशीन पर है वही फोल्डर स्ट्रक्चर वहां पे रेप्लीकेट होना चाहिए। अब ऑनेस्टली ये काम बहुत ईजी है अगर आप गिट का वर्क फ्लो समझते हो, बट सिंस मैंने आपको गिट अभी नहीं पढ़ाया है तो मैं आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करके ये पूरी चीज दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू गो टू ऐड फाइल, अपलोड फाइल, एंड यू हैव टू अपलोड डेस्कटॉप पे जाके पोर्टफोलियो वेबसाइट पे ये इंडेक्स फाइल को आप अपलोड कर दोगे। ये रही पहली फाइल। ठीक है, और इस फाइल को अपलोड करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन कमिट चेंजेस और आपकी पहली फाइल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इंडेक्स वाली फाइल अपलोड हो गई। अब हमें ये दोनों फोल्डर्स बनाने हैं, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट, विल क्लिक ऑन क्रिएट न्यू फाइल एंड वी वुड राइट असेट्स। ठीक है, असेट्स के अंदर आई वुड राइट, जैसे यहाँ पर असेट्स के अंदर देर इज वन मोर फोल्डर CSS, सो आई वुड राइट CSS। और अब CSS के अंदर ये थोड़ा सा जुगाड़ू तरीका है, आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो पूरा फाइल है इसको कॉपी करना पड़ेगा मेन डॉट CSS को। तो यहाँ पर आप एक फाइल बना रहे हो मेन डॉट CSS, और यहाँ पे आप सारा कोड पेस्ट कर रहे हो अपने CSS का, और कमिट न्यू फाइल पे क्लिक किया आपने, एंड नाउ यू वुड सी कि आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट में असेट्स के अंदर जस्ट वन सेकेंड, व्हाट वी विल डू इज असेट्स में जा रहे हैं और फिलहाल इसको डिलीट कर दे रहे हैं बिकॉज मुझे असेट्स के अंदर CSS चाहिए था। कमिट चेंजेस, वापस नॉर्मल हो गया, एड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ पे हम बना रहे हैं असेट्स, असेट्स के अंदर फिलहाल एक रीडमी फाइल ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पे देर इज नथिंग टू सी, जस्ट फोल्डर को सही से बनाने के लिए। यू कैन सी अभी हम यहाँ पर हैं, इसके अंदर असेट्स है, असेट्स के अंदर आई वुड क्रिएट अ न्यू फाइल और इस न्यू फाइल का नाम होगा CSS, और CSS के अंदर हम एक और फाइल बना रहे हैं मेन डॉट CSS। ठीक है, और इसके अंदर हम ये सारा कोड पेस्ट कर रहे हैं और कमिट न्यू फाइल पे क्लिक किया, एंड नाउ यू कैन सी कि पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर रेप्लीकेट हो गया। असेट्स है, असेट्स के अंदर CSS है, CSS के अंदर मेन डॉट CSS है। यू कैन सी असेट्स है,
असेट्स के अंदर सीएसएस है, सीएसएस के अंदर मेन डॉट सीएसएस है, ये वाली फाइल हमें अपलोड करनी है। तो हम फिर से क्या करेंगे, ऐड फाइल पे जाएंगे, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, चूज फाइल पे जाएंगे और अपलोड कर देंगे। ठीक है, और यही सेम तरीके से मैं बाकी का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर रेप्लिकेट कर देता हूँ जल्दी से। एंड यू कैन सी गाइस, ये पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने रेप्लिकेट कर दिया है गिटहब के ऊपर। अब ऑनेस्टली ये करना इतना मेहनत का काम नहीं होता है। जब एक बार आप गिट पढ़ लोगे, यू वुड सी कि ये पूरी चीज आप एक सिंगल लाइन से, एक सिंगल कमांड से कर पाओगे। ठीक है, जो भी है फिलहाल ठीक है। मैंने सारा का सारा कोड जो भी मेरी मशीन पे पड़ा हुआ था उसको उठा करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब बस लास्ट स्टेप बचा, आपको अपने इस प्रोजेक्ट को लाइव करना है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। सेटिंग्स पे आपको लेफ्ट साइड में पेजेस दिखाई देगा, गिटहब पेजेस। ठीक है, तो गिटहब पेजेस इज डिजाइन टू होस्ट योर पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट पेजेस फ्रॉम अ गिटहब रेपो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच ये जो है सिलेक्टेड रहने दो, यहाँ पे आपको मेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और सेव पे क्लिक कर देना है। सो सेव पे क्लिक करने पे कुछ आया नहीं था, बट मैंने जैसे ही पेज को रीलोड किया ना, तो मुझे फिर ये ऑप्शन दिखाने लगा कि योर साइट इज लाइव एट ये यूआरएल। ठीक है, विजिट साइट। तो इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखो गाइस, दिस इज द वेबसाइट जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एडिट किया था, वो पूरा का पूरा अब लाइव है इस यूआरएल पे। और ये यूआरएल को आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा फ्लो क्या था मैं आपको एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जाना है एचटीएमएल अप वाली वेबसाइट पे, या फिर और भी कोई वेबसाइट पे आप जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आपको किसी भी टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। थोड़ा सा आपको एचटीएमएल सीएसएस सीखना है, टेम्पलेट को अपने हिसाब से एडिट करना है, उस टेम्पलेट को गिटहब पे अपलोड करना है। और गिटहब पे अपलोड करने के बाद आपको बस क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है और वहां से पेजेस पे जाना है, और वहां से आपको बस वन क्लिक डिप्लॉय कर देना है। आपका जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो गया। ठीक है, अच्छी बात क्या है इस पूरे वर्क फ्लो में, कि आप जैसे ही गिटहब पे होस्ट कर देते हो, आप उसके बाद यहाँ पे चेंजेस करोगे और वापस गिटहब पे एक कोड के साथ, मतलब एक सिंगल कमांड के साथ एडिट कर सकते हो, अपने कोड को अपलोड कर सकते हो, और ऑटोमेटिकली आपका वेबसाइट जो डिप्लॉयड है उसमें भी चेंजेस होने लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी कोडिंग आता है, यू आर कंफर्टेबल, आई वुड रिकमेंड सेकेंड वाला तरीका। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड और आपको लग रहा है यार मुझे कोडिंग में भी नहीं पढ़ना, तो आप पहला वाला जो तरीका है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के, आपको जो भी पसंद है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो मैंने आपको दो तरीके दिखा दिए पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के। अब आपका एक टास्क है कि इस वीकेंड आपको बैठना है और अपने लिए एक बहुत अच्छी सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है और उसको डिप्लॉय करना है। और ये जो वीडियो है ना, इसके कमेंट सेक्शन में आकर के आपको अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है। लेट्स सी किसका पोर्टफोलियो वेबसाइट बेस्ट दिख रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को सीरियसली लेना। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके प्लेसमेंट में हेल्प कर सकती है। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद एक टाइम अलॉट करो अपने आप को और उस टाइम में जाकर के अपना खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ और अगले 7 मंथ्स उसको अपना कंपेनियन की तरह रखो। उसको हमेशा जाकर के अपडेट करो जब भी आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया बना रहे हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये पहला सेशन करियर पे चर्चा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय।